हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैंने एक कांच की बोतल ली है, उसमें थोड़ा सा पानी भर लिया है। याद रखना, पानी थोड़ा सा ही रखना, तभी रिएक्शन जल्दी होगी। और उसके बाद कुछ गुब्बारे ले लेना है, और उसके बाद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपको किराने की दुकान पर बड़ी ही ईजिली मिल जाएगा। आप किसी भी किराने की दुकान पे बोल सकते हैं कास्टिक सोडा दे दो, तो वो आपको दे देगा। उसके बाद हम लोगों को चाहिए सिल्वर फॉयल। सिल्वर फॉयल जिससे हम लोग खाना रैप करते हैं, आपको अपने किचन में ये आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को सिल्वर फॉयल की स्मॉल स्मॉल बॉल्स बना लेनी है। और याद रखना, इसको ज़्यादा हार्डली प्रेस मत करना, ये बॉल सॉफ्ट होनी चाहिए, तभी आपकी रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होगी, वरना ये बहुत टाइम लगा लेगी अपनी रिएक्शन होने में। तो कुछ इस तरीके से आपको बॉल्स बनानी है, कि थोड़ी सी बॉल्स बना लेनी है। तो चलिए बॉल्स बनाते हैं। गाइस, अब हम लोगों की गोली तैयार हो चुकी है। अब इसको सबसे पहले हम लोगों को कास्टिक सोडा को डालना है। याद रखना, कास्टिक सोडा को हाथ से मत पकड़ना, वो आपके हाथ में रिएक्शन कर सकता है। तो अब कास्टिक सोडा को खोल लेंगे, और उसके बाद एक पेपर की हेल्प से उसको डालेंगे कुछ इस तरीके से। पेपर की जगह पर स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पेपर से डाल रहा हूँ इधर पर, और कुछ इस तरीके से हम लोगों को डाल देना है। और अगर आपके हाथ पे गलती से भी कास्टिक सोडा लग जाए, तो आपको जल्दी से हैंड वॉश कर लेने हैं। और मैं जैसे कि उठा के डाल रहा हूँ, तो अब मैं जल्दी से हैंड वॉश कर लूँगा इसको डाल के। तो गाइस, जैसे ही हम लोग इसमें कास्टिक सोडा डाल दें, और उसके बाद हम लोगों को इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है, ताकि कास्टिक सोडा वाटर में डिसॉल्व हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको हिलाएंगे। तो गाइस, जैसे ही कास्टिक सोडा वाटर में डिसॉल्व हो जाए, हम लोगों को जल्दी से इसमें सिल्वर फॉयल डाल देनी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोगों को डालने की कोशिश करनी है, और हो सके तो आप लोग किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं इसको करने में। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को डालनी है इसमें, और फिर गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जल्दी से फिर गुब्बारे को लगा देना है इस पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ऐसे स्ट्रेच करके लगा देना है हम लोगों को बैलून को इस पर, और फिर देख सकते हैं आप लोग बैलून फूलना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये बैलून हवा में भी उड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और आपका बैलून तैयार हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि गैस धीरे धीरे बैलून को फुला रही है, आप लोग देख सकते हैं इसकी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो बोतल को प्लीज़ टच मत करना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप जिस जगह पे ये काम करेंगे, वो एकदम ड्राई प्लेस होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि बोतल को ज़्यादा ही गर्म हो रही है, तो उसको पानी में रखने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बोतल उधर ही फूट जाएगी। तो आपको ये बहुत ही सावधानी से काम करना है, और हो सके तो इसको घर पर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और गैस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक और बैलून तैयार कर रहा हूँ, और ये मेरा फ्रेंड है जो मेरी हेल्प कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, और आप लोग देख सकते हैं ये बैलून फूलता ही जा रहा है। गाइस, अगर आप लोग ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो किड्स को इसके पास से दूर ही रखें, किड्स को इसके पास बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है रिएक्शन के दौरान। अब हमारा बैलून तैयार हो चुका है, तो मैं इसको निकाल ले रहा हूँ, और उसके बाद इसमें गांठी बांधूंगा। अब इसको उड़ाते हैं गाइस, अब इसको उड़ाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ऊपर जा रहा है, और ये जाता ही जा रहा है ऊपर। और आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, और अभी ये देखिए काफ़ी ऊपर चला गया।
तो गाइज यार अब हम लोग जो करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत करना। तो चलिए अब करते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।